तो की हाल चाल दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया ए टीम एसीसी एमर्जिंग एशिया कप 2023 जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। गाइस, आज इंडिया ए और यूएई ए का एशिया कप 2023 का मैच खेला गया, जहां इंडियन टीम की शानदार बॉलिंग देखने को मिली। इस मैच में इंडिया ए ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। यूएई की शुरुआत खराब रही, जहाँ दूसरे ओवर में जोनाथन फिगी 0 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अंश और आर्यन शर्मा के बीच 30 रनों की छोटी सी पार्टनरशिप हुई। जब यूएई का स्कोर 31 रन था, तब अंश 5 रन बनाकर आउट हो गए। 8वें ओवर में आर्यन शर्मा ने 2 फोर लगाए, पर 11वें ओवर में क्रीज पर नवे आए लवप्रीत सिंह 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यूएई का 4था विकेट 52 रनों पर गिरा, जहाँ अच्छा खेल रहे आर्यन शर्मा 38 रन बनाकर आउट हो गए। यूएई का स्कोर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स के बाद। यूएई का 5वां विकेट 65 रनों पर गिरा, जहां अली नसीर 10 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मोहम्मद फराजुद्दीन और वलथप्पा ने यूएई की इनिंग्स को संभाला, जहां दोनों बल्लेबाजों ने अगले 10 ओवर में एक भी फोर नहीं लगाया, जहाँ इंडियन टीम की शानदार बॉलिंग देखने को मिली। जहाँ 26 ओवर तक यूएई का स्कोर था 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 28वें ओवर में मोहम्मद फराजुद्दीन ने 1 फोर लगाया, जहां 30 ओवर तक यूएई का स्कोर था 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 32वें ओवर में वलथप्पा और फराजुद्दीन के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। 34वें ओवर में फराजुद्दीन ने 2 फोर लगाए, जहां 40 ओवर तक यूएई का स्कोर था सिर्फ 135 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जहाँ वलथप्पा और फराजुद्दीन काफी स्लो बैटिंग कर रहे थे। जब यूएई का स्कोर 145 रन था, तब स्लो खेल रहे मोहम्मद फराजुद्दीन 35 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद यूएई के रेगुलर विकेट्स गिरने लगे, जहां यूएई का 7वां विकेट 149 रनों पर गिरा, जहां संचित शर्मा ने 2 रन बनाए। यूएई का 8वां विकेट 152 रनों पर गिरा, जहां वलथप्पा ने बनाए 47 रन 107 गेंदों में। 49वें ओवर में जश ज्ञानिनी ने हर्षित राणा के ओवर से 1 सिक्स और 1 फोर लगा दिया। 50वें ओवर में जवादुल्ला ने भी 1 सिक्स लगाया, जहां आखिरी 2 ओवर से आए 23 रन, जहां यूएई ने बनाए 175 रन 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर्स के बाद। इंडिया की ओर से हर्षित राणा ने 4 विकेट, वहीं नीतीश रेड्डी और मानव सुतार ने 2-2 विकेट लिए। अब इंडिया को इस मैच को जीतने के लिए 176 रनों की जरूरत थी। 176 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी रही, जहां पहले 4 ओवर में साई सुदर्शन और अभिषेक शर्मा ने 23 रन बना लिए थे, पर 5वें ओवर में पहले साई सुदर्शन 8 रनों पर, वहीं 6वें ओवर में अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हो गए, जहां इंडिया का स्कोर था 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स के बाद। इसके बाद कैप्टन यश धूल और निकिन जोश ने इनिंग्स को संभाला, जहां 9वें ओवर में दोनों प्लेयर्स ने इंडिया के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया। 11वें ओवर में यश धूल ने 2 फोर लगाए, 12वें ओवर में फिर से यश धूल ने 2 फोर लगा दिए, जहाँ 14 ओवर तक इंडिया का स्कोर था 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर में यश धूल ने फिर से 2 फोर लगाए, जहां पहले 15 ओवर तक इंडिया का स्कोर था 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर में निकिन जोश ने 3 फोर लगाए, जहां दोनों प्लेयर्स के बीच 50 प्लस रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, जहां इंडिया का स्कोर था 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स के बाद, जहां अगले 33 ओवर में इंडिया को सिर्फ 70 रन चाहिए थे, जहां इसी बीच यश धूल ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी कर ली।